हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि देख सकते हैं दोस्त, CISF का जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली हो चुका। और ये हम लोकेशन की बात करें तो ये पतरतू लोकेशन झारखंड में जो पड़ती है उसी जगह लोकेशन की लोकेशन है। और बाहर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे इधर निकले हुए हैं और इस साइड पूरा एकदम देखने के लिए मिलेगा। रोड के जस्ट बगल में है और इस साइड भी देख सकते हैं सारा जितना भाई है सारा का डॉक्यूमेंटेशन जो है बिल्कुल हो चुका है क्लियर। सभी भाई 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 जो है अपने घर पर जाने के लिए अब ऑटो ले रहे हैं यहाँ से। चलिए आइए जानते हैं, कुछ भैया से बात भी करेंगे अंदर में क्या क्या खोजा गया है सभी के बारे में। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, अभी दिखाते हैं आप लोग को। बिल्कुल आ गया साफ नंबर बेंच है, भाई एक साथ है देख सकते हैं आप लोग। ब्लॉगिंग चलती सारा भाई लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। सब भाई जो है अभी अपने घर की ओर निकल रहे हैं, बाल बाकी देख सकते हैं आनंदम ब्लॉग। और भाई देख सकते हो हम भाई लोग सब जो लोग को पीछे दिखाए, हम भाई लोग भी सब साथ थे। मेरा था बेंच नंबर 7, ये भाई का था 8, ये सभी हम लोग था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया। तो भाई अंदर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के बाद कैसा लगा उन लोग का सहयोग? एकदम सही लग रहा था। अच्छा अंदर में खोजा क्या क्या जा रहा है? देख सकते हो भाई भी बताया बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं CISF वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है उनको डेट भी दे रहे हैं दूसरे दिन लाने के लिए। हाँ बेधड़क आइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जाइए। देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी निकले हैं, अभी शाम का टाइम है 5 बजे, क्योंकि आप लोग को सुबह 6:30 बजे से एंट्री होती है और शाम में 6 बजे ले जाओ। और भाई बोल रहे हैं खाने पीने के लिए रास्ते में अपने लिए कुछ लेते आइएगा। पूरा दिन लगता है, सुबह हम लोग 6 बजे गए हैं, शाम को 5:30 अभी निकल रहे हैं। अच्छा सुबह हम लोग एंट्री किए थे और अभी निकल रहे हैं शाम में, देख सकते हैं। इसलिए खाने पीने का सामान जो है अपना लेते आइएगा बैग में। बात बाकी थैंक यू बाकी अभी चलते हैं। और आप लोग को रांची का टूर भी हम देने वाले हैं, आज रात भर हम रुकने वाले हैं। सो यहाँ नियरेस्ट जो पतरतू डैम है उस पतरतू डैम भी घूमेंगे और आप लोग को हम उस पतरतू डैम के बारे में भी दिखाएंगे, क्योंकि आज रात में जो हम स्टे करने वाले हैं आप लोग के लिए ब्लॉगिंग भी करने वाले हैं। सो अगर आप लोग तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक पार्टनर आ रहा है और उससे भी आप लोग को मिलवाएंगे। और हम दोनों भाई जो है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन नहीं मिल पा रहा था जिसके वजह से आज रात भर हम रुक जाएंगे, कल जो है वो कल वाली ट्रेन से जाएंगे। बाद बाकी ऐसे बहुत अगर हम रूम की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे रूम भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आंटी लोग सुबह में यहाँ पे और 3-4 जो है जिसको एक तरह से बोल सकते हो दलाल लोग, वो आप लोग को 150 रुपया 200 रुपया जिस टाइप का बेड आप लोग को लीजिएगा उस टाइप का बेड भी मिल जाएगा यहाँ पे, वो भी व्यवस्था है। बस आप लोग को करना यही है जो खाने पीने का व्यवस्था बैग में लेकर आइएगा। क्या भैया जी अपना का हो गया डॉक्यूमेंट आप लोग का कल है ना? ये भाई लोग देख सकते हैं कल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने वाले हैं। आप लोग रूम लेके देखिए, आप लोग को हम रूम लेने के बारे में बताए थे तो रूम यहाँ पे कैसे मिला उसके बारे में थोड़ा बताइए। 100 रुपया पर पर्सन ले रहा है। 100 रुपया पर पर्सन ना? अच्छा रूम कैसा? रूम सही है, आपका सोने बैठने का, फोन चार्ज करने का, बाथरूम का, उसके बाद खाना का व्यवस्था मार्केट में आके सर करते हैं। अच्छा तो ये आपको रूम कैसे मिल गया? रूम यहाँ का लोकल बंदा से पूछे घूमे, उसके बाद पता चला कि यहाँ यहाँ पे रूम मिल रहा है उसके बाद। अच्छा तो गाइस देख सकते हो ऐसे भी यहाँ पे आप सुबह में लोग एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा लोकल आदमी मिल जाएंगे, वही सभी आप लोग को सस्ता रेट पे जो है एक रात स्टे करने का 100 रुपया या 50 रुपया और अपना एक बैच बना लीजिए उसी बैच में रह जाइए। क्या वो व्यवस्था आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा? अगर आप लोग बिहार से आ रहे हो या किसी भी राज्य से आ रहे हो या डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो तो रहने का भी यहाँ पे व्यवस्था हो जा रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो रहा है। बाद बाकी अंदर में भी बहुत एकदम हेल्प मिलेगा आप लोग को। सो बेनिझक आइए और उन लोगों का एक ही एम है जितना से जितना बच्चा हो सके वो सिलेक्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट में हम किसी को ना छाटे। आप लोग को कल है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। अंदर में बहुत सपोर्ट है, CISF वाले बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट में नहीं छाटे। अगर OBC के लिए अगर किसी को छाटे भी हैं तो उन लोग को रसीद दे दिए हैं दूसरे दिन देने के लिए। हाँ और 10वां और 12वां का जो है वो प्रोविजनल मार्कशीट होता है, वो प्रोविजनल मार्कशीट मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों खोजता है, सिर्फ मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, उसका जो प्रोविजनल देता है 1-2 साल के बाद वो भी अंदर में खोजा जा रहा है। यही सब है तो उसका डेट भी है 16 तक, यानी 16 तक जमा कर देना है, लेकिन OBC है
उसका डेट है हाँ एग्जाम के बाद। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया, ये छोटी सी जानकारी हम आप लोग को दे दिए हैं। आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाद बाकी एक अभी मेरा और पार्टनर आ रहा, उस पार्टनर से आप लोग को मिलवाते हैं। बाद बाकी आप लोग को पतरतू का जो डैम है वो डैम भी हम घुमाने वाले हैं, ब्लॉगिंग करने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और भाई देख सकते हैं बहुत सारा जो हमारा दोस्त भी मिल चुका है, क्योंकि पटना से आए हैं तो बहुत सारा पटना में भाई लोग रहता है तो मिल गया है। उसी में से भाई लोग में से देख सकता है, ये देख सकते हैं ये भाई लोग भी आ गया है। ये फिलहाल हम जहाँ रहते हैं वही पटने से अभी ये भाई आया। ये आपका बेंच नंबर कितना था? 8 था मेरा बेंच नंबर, 7 था ये भाई का, 8 था और एक भाई और था 8। यही सब आए थे, अभी जाने का प्लान बना रहे हैं, क्या कैसे जाना है नहीं जाना है। उसके बाद आप लोग को जो भी जानकारी होगी रूम के बारे में जानकारी दे दिए, जो 150 रुपया में यहाँ पे आप लोग को स्टे करने के लिए रूम भी मिल जाएगा, और जो भी जानकारी होगा वो जानकारी हम आप लोग को दिए गाइस। मेरा जो आप लोग को बताए थे जो दोस्त यहीं पे स्टे करने वाला है, क्योंकि इसका जो फिजिकल वो कल है तो आज रात वो रुकेगा भाई, कल 6:30 बजे एंट्री होगा, 6:30 बजे ये एंट्री मारेगा। आप लोग के लिए सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग कर लूँ, इसलिए रात भर हम भी स्टे कर जाते हैं, चलेंगे आप लोग के लिए ब्लॉग बनाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। यही सब पार्टनर जिसके बारे में आप लोग को बताए थे और ये भाई का था आज फिजिकल। चलिए भाई रूम पर क्या भाई, देखो देखो ब्लॉगिंग में एक चीज़ बता रहे हैं, ये भाई हमारे ये प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर का है, देख सकते हैं जस्ट हमारे गाँव के बगल का है, सहरसा का है, समस्तीपुर का है। हाँ तुम बारिश नगर से आया है तब हम जो बताए अभी निकलोगे रात हाइट एकदम सही लगा। हाँ आपका ऐसे ही फूल जाएगा, एगो लड़का आपके ही जैसा था ऐसे ही फूल गया।